कल कुछ ग्रुप के लोगों से पता चला है कि ट्रेंडिंग स्टार बहुत ज्यादा दुखी हैं। आखिर क्या है रीजन, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके ट्रेंडिंग स्टार दुखी हैं। जी हाँ, दुखी हो क्यों ना। एक इतने हसमुख इंसान के बारे में इतने गलत तरीके से लोग कोई कहेंगे कि वायरस है, लोग कहेंगे कि फसल आवाज की क्लियर कर देना हो, तो दुखी क्यों नहीं होंगे। और नीलकमल जी ने जो कर दिया है ना, सच में कल को किसी को ना मैं भाई नहीं बोलूंगा कि मेरा भाई है। कल कोई नहीं बोलेगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कि ये मेरा भाई है। भाई यहाँ पे जो ऊपर से भाई है वो पीछे से कसाई है। और सच में खेसारी लाल जी को लेकर वो ऐसा बोलेंगे कभी मैं सपनों में भी नहीं सोचा था। और सच में यही चीज़ खेसारी लाल जी को दुख दिया है। खेसारी लाल उनको भाई से बढ़कर मानते थे और हमेशा एक्टिव रहते थे, हमेशा ऐसा काम करते थे कि नहीं कुछ भाई को मौका मिल जाए, मेहंदी लगा के रखना फिल्म में, इतने बड़े फिल्म में मौका दिया, कास्ट किया, मतलब जहां मौका मिला वहां मौका दिया। और उसके बाद ही इनका स्टारडम बढ़ा, खेसारी फैंस सपोर्ट किए, बहुत लोग जाने, और जानने के बाद ये एक स्टार बन गए। इनका हर गाना मिलियन में जाने लगा, लोग इनको भरपूर प्यार देने लगे। नो डाउट नीलकमल जी एक बहुत अच्छे सिंगर है, लेकिन अभी तक उन्होंने माफ़ी तक भी नहीं मांगा है। लेकिन मेरा यही कहना है कि नीलकमल जी अगर आकर आप माफ़ी मांग लेते हो जनता से, आकर आप माफ़ी मांग लेते हो अक्षरा सिंह जी से, पवन जी को भी आप बहुत गंदे तरीके से बदनाम किए हो, क्योंकि ये मत समझो पवन सिंह जी खुश हो जाएंगे, ना तो ये सब कचरे में पड़ते हैं ना कि कभी वो आंसर देते हैं, लेकिन आपने उनको ज़बरदस्ती घसीटा। आपको सबसे माफ़ी मांगनी चाहिए भोजपुरी दर्शक से कि मैंने भोजपुरी का मान मर्यादा को ठेस पहुंचाया है, गलती से हो गई, लेकिन हाँ आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तो ये पब्लिक ऐसी है ना, बहुत कोमल पब्लिक है हमारी भोजपुरी की, जो पब्लिक है ना बहुत अच्छी पब्लिक है, बहुत जल्दी खुश हो जाती है, बहुत जल्दी दुखी हो जाती है। तो आपको माफ़ भी कर देगी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन आप एक बार हिम्मत करके सामने आके बोलो, क्योंकि इंसान से गलती होती है, लेकिन माफ़ी मांगोगे तो उसका सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। इतने घमंड में रहना ठीक नहीं है सर, आप आकर माफ़ी मांगो, बाकी हम लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन आपने जो गलती करा है आपको सपोर्ट करने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन आप माफ़ी भी नहीं मांग रहे हो, आप अपने में घमंड में बने हुए हो। तो क्या कहना है भोजपुरिया समाज, कमेंट करके बताओ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।